भारत में भी तुर्की जैसा भूकंप आ सकता है। यह भविष्यवाणी की है नीदरलैंड के रिसर्चर फ्रैंक हुगरबीच ने। यह वही रिसर्चर है जिन्होंने तुर्की में भूकंप के आने से 3 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, और इस भविष्यवाणी में वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। फ्रैंक हुगरबीच ने अब भारत के लिए भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है, जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हमारी इमारतें घर इतने मजबूत है कि बड़े भूकंप का झटका झेल सके। नमस्ते, मैं हूँ मानसी और आप हैं मंच पर। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने हजारों लोगों को ऐसी नींद में सुला दिया जिससे वो अब कभी नहीं जाग सकेंगे। इस भूकंप के बाद मौत से जूझती जिंदगी की कई तस्वीरें सामने आई जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इन तस्वीरों के बीच पूरी दुनिया में एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा हो रही है जिसने 3 दिन पहले ही इस भयावह भूकंप के बारे में लोगों को आगाह कर लिया था। इस शख्स का नाम है फ्रैंक हुगरबीच। फ्रैंक हुगरबीच नीदरलैंड में रिसर्चर है जो सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे कंपनी यानी SSGEOS के लिए काम करते हैं। SSGEOS एक शोध संस्थान है जहां फ्रैंक ग्रहों की चाल से भूकंप के आने का अनुमान लगाते हैं। फ्रैंक हुगरबीच ने अब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हिंद महासागर तक भूकंप आने की भविष्यवाणी की है। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इस पर अभी थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है और ये पूरी तरह साफ होना बाकी है कि भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होकर हिंद महासागर के किस हिस्से तक जाएगा। उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भूकंप आता है तो साल 2001 की तरह तबाही ला सकता है। फ्रैंक आगे कहते हैं कि भारत चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है। वहीं फ्रैंक की भविष्यवाणी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि भारत में कहां कहां भूकंप का खतरा है। भूकंप के लिहाज से भारत को 5 जोन में बांटा गया है। भूकंप के लिहाज से सबसे कम खतरे वाले इलाके जोन 1 में आते हैं। इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र और उड़ीसा के हिस्से आते हैं। जोन 2 एरिया में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा शामिल है। देश का 30% हिस्सा जोन 3 में आता है। इसमें पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा, झारखंड का उत्तरी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, गोवा, लक्षद्वीप, केरल के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कुछ इलाके आते हैं। जोन 4 अधिक खतरनाक होता है। इसमें देश का 18% हिस्सा आता है जिसमें उत्तरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, पश्चिमी राजस्थान का इलाका, पश्चिम बंगाल का छोटा इलाका, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से और उत्तराखंड के कुछ इलाके आते हैं। जोन 5 को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। देश का करीब 11% हिस्सा जोन 5 में आता है। इसमें गुजरात का कच्छ और भुज, बिहार में दरभंगा, असम में गुवाहाटी, सदिया जोरहाट और तेजपुर, हिमाचल में मंडी और उत्तराखंड का अल्मोड़ा शामिल है। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार पुनीत ने। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।